और अब जब असली वाला पति लौट आया है तो ये बताओ किसके साथ जाओगी, इसके साथ या उसके साथ, या फिर चोरी छुपे दोनों के साथ? अब बहुत हो गया आप लोगों का, समझी ना? औरत हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना चीखते चिल्लाते जाओगी यहाँ से। लो अब इनका गुस्सा देखो। लेकिन मुझे तो लगता है कि विशु बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है कि इसकी बगिया में दूसरा भंवरा घुस गया है। अरे इसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन हमें क्या, चलो बहुत बेइज्जती हो गई, चलो यहाँ से, चलो चलो। आइन बड़ी बैजू, सृष्टि, भंवरा, क्या है ये सब? दूसरी शादी, ये सच नहीं है। हम समझाते हैं, तुम कौन? भैया ये सच नहीं है ना? हाँ भाभी, आप तो मेरी पक्की वाली दोस्त है ना, आप तो कुछ कहिए। नहीं है ना ये सच? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कोई तो कुछ बोलो। बेटा कोई बोलेगा कैसे, कैसे बोलेगा? धोखा दिया है आप सबने मुझे, धोखा दिया है। हम इनके ना वो बहुत खास, हम हैं पक्के वाले दोस्त हैं। लेकिन तुम उसके दोस्त नहीं हो, उसके दोस्त तुम उसके हस्बैंड। इतना बड़ा धोखा! आप सब तो मेरी फैमिली है ना, आप सब मेरी फैमिली है ना, और तुम धोखा दिया है तुमने मुझे, झूठ बोला है मुझसे, और इस परिवार ने भी। जो तुमने बताया था मेरा अपना है। खैर सही तो हुआ सब मेरे संग। आई डिजर्व दिस, आई रियली डिजर्व दिस। पता है क्यों? कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया। धोखा देना तुम्हारी फितरत में होगा, मेरी फितरत में नहीं। खुश था ना मैं अपनी जिंदगी, बहुत खुश था। क्यों आई मेरी लाइफ, क्यों आई जब धोखा ही देना था? अब तो मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, ना तुम्हारे ऊपर, ना इस फैमिली के ऊपर, और शायद अपने ऊपर भी नहीं कर सकता। और अब यहां नहीं रुक सकता मैं, नहीं रुक सकता मैं यहां, और ना ऐसी फैमिली के साथ रुक सकता हूं जो अपनों को ही धोखा देती है। नहीं हो सकता ये मेरा परिवार। विशु हमारा बात सुनो बेटा, विशु उसको समझाइए ना, हमारा घर का खुशी जो है एक पल में, इसका सबका कहाँ असर पड़ेगा उस पर, उसको। हाँ आप समझाइए ना उसको। हाँ भी हम ही समझाते हैं। विशु, विशु हमारा बात सुनो बेटा। बहुत गलत हो गया, बाबूजी, देवर जी का ये कदम हम सब मिलके रोकेंगे। ठीक है बाबूजी, हम एकदम एकदम ठीक है और हम शेर फैमिली है, स्ट्रॉन्ग है, हम ससुरा में फर्क नहीं पड़ता है किसी भी। बाबूजी आपको ना ये जो फालतू का लोग फालतू का बकवास करके गए हैं ना, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे इस पर और अपना दिमाग खराब तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फालतू के लोग तो हम बचपने से देखते आए हैं। लोगों का काम क्या है ऐसे फालतू का बकवास करना जो करके चले गए। अगर हमें गुस्सा आता है ना तो वो इस बात पे आता है कि आपका ही हालत है ना, इसीलिए ये फालतू का बकवास करके गए थे। इनका इतना हिम्मत हो गया ससुरों का, हमें कुछ भी बोले ना बाबूजी हमें चलता है, लेकिन जब आप पे कोई बात आती है ना तो हमारा ना खून खौलता है, हमारा मन करता है कि ना हम ऐसे गोली से उड़ा दे सबको। हम आते हैं। अरे हमें तो लगता है कि जब इसका बेटा पैदा होगा ना तो उसके हाथ में चटुआ की बजाय बंदूक थमा देगी, और खुद भी तो है जाहिल और अनपढ़, बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी ना। मिस्टर जी प्लीज रागिनी, आज ये साबित हो गया है कि मैं इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूं, जिससे तुम हर बार झूठ पे झूठ बोलती रही, और मैं ये समझ के बर्दाश्त करता रहा कि शायद इस बार ये लास्ट टाइम होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं क्या सोचता हूं। तुम सिर्फ वही करोगी जो तुमने डिसाइड किया है। पागलों जैसे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम हम क्या मिस्टर जी, हाँ बगीचा में थे क्या जो फोन उठा लेते और बता देते यहाँ है वहां है? सर पे बंदूक ताने हुआ था हमारे, समझ रहे हैं आप? जान और सम्मान दोनों हमारा। अपनी जान को जोखिम में डालकर गुंडों से लड़ाई पिटाई करना ना तुम्हारी हैबिट है रागिनी। तुम्हें बस मौका चाहिए कि अपनी बहादुरी तुम दिखा दो, जिसे यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई तुम हो। क्या रानी लक्ष्मीबाई? मिस्टर जी पता भी है आपको, जब वो मैदान में कूदी थी ना लड़ने के लिए तो अपने बच्चे को ना अपने पीठ पे बांधी हुई थी। खैर छोड़िए, उनका और हमारा तुलना ना तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हम बस ये कह रहे हैं कि हम वो बेटी हैं जो बाबूजी की जान सम्मान का वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। मिस्टर जी आप बात को समझ मैं तुम्हारी कि तुम अपने बाबूजी की बेटी हो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है मिस्टर जी कि हम सिर्फ बाबूजी की बेटी हैं, हम एक पत्नी है, इस नन्ही सी जान की माँ है, हम इस घर की बहू है। लेकिन क्या करें, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आप नाराज हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रागिनी, लड़ाई झगड़े में उसको चोट तो नहीं लगी? कैसे चोट लगेगा? छोटे ठाकुर के पापा इतना प्यार जो करते हैं कि चोट लगे ही नहीं सकता। गुर्जर सब बोल रहे थे ना कि हम गवार हैं, जाहिल है, हमको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, सिर्फ बंदूक चलाना आता है। वो सही है, लेकिन हम अपने बच्चे को ऐसे नहीं बनाएंगे मिस्टर जी। आपको पता है हम कहाँ सपना देखे हैं उसके लिए कि वो ना एकदम पढ़ा लिखा होगा आपकी तरह, वो एकदम अंग्रेजी बोलेगा, एकदम फट फट जैसे कि आप बोलते हैं। वो लड़की होगी ना तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, और लड़का होगा ना तो उसको क्या बोलते हैं इंजीनियर वो बनाएंगे। हम नहीं है शर्मिंदा कि हम गवार जाहिल है तो है, नहीं है हम शर्मिंदा। हम कोशिश कर रहे हैं मिस्टर जी एक अच्छी माँ बनने के लिए, लेकिन ससुरा बीच में हमारे खाट में जो ये खटमल आ जाते हैं ना, जो हमारा सुकून का खून चूस रहे हैं ना, हम उनको मारने चाहते हैं, और तभी आप हमसे नाराज हो जाते हैं। मिस्टर जी हम आपसे पिरामिस नहीं, हम आपको ना आज पिरामिस का बाप देते हैं कि हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रागिनी मैंने जो कुछ भी बोला वो गुस्से में नहीं, मैंने सिर्फ डर से बोला है और कुछ नहीं। I'm sorry, रागनी। अपने बच्चे का फ्यूचर हम दोनों मिलकर साथ में बनाएंगे। Sorry, Mr. Ji. I'm sorry, रागनी। विशु जी, आप हमारी बात तो सुनिए। प्लीज डोंट से एनीथिंग। मैं तुम्हारे लिए अपनी जगमगाती हुई दुनिया को छोड़कर इस महकती हुई दुनिया में आया। और तुमने विशु बेटा, तुम कहाँ कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ को छोड़कर आओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। विशु कहाँ कर रहे हो बेटा? क्या आप सच में मेरी माँ? अगर ऐसा है तो मुझसे सच क्यों छुपाया गया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा गया? मेरी तो बस याददाश्त खोई थी ना। आप सबने तो मुझे पागल ही बना दिया। बेटा, हम तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन हमको लगा कि सच्चाई बताने से कहीं तुमको कोई सदमा ना पहुंचे। मुझे सदमा इस सच्चाई नहीं, इस झूठ का लगा है। सॉरी, मैं एक सेकंड भी यहां और नहीं रुक सकता। विशु, हमारा बात सुनो बेटा। हमारा ऐसा विशु रुक जाओ बेटा, हमारा बात तो सुनो। हम तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। हम सच कह रहे हैं। विशु विशु, हमारा बात सुनो। विशु विशु जी, विशु, विशु, अम्मा जी देखिए ना, इसको समझाइए ना। विशु कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो हमको बताओ। ये सब तुम्हारा ही परिवार है बेटा। अपने मन की तकलीफें, परेशानी बोलो हमें। चाहो तो हम सब पे गुस्सा कर लो बेटा, लेकिन इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। विशु भैया सही कह रहे हैं, ऐसा मत करो। सब देखो ना, सब कितना उदास हो गए तुमको ऐसा देख के। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरे अपने हैं, और ये बात भी जानता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप सब लोग मेरी मुश्किल को भी समझिए। एक इंसान जिसको अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जो अपनी हाल फिलहाल की जिंदगी में खुश है, जिसके कुछ सपने हैं, कुछ गोल हैं, और फिर एक दिन अचानक से एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसकी वाइफ है, और कहती है कि आपकी फैमिली यहां से बहुत दूर आपका इंतजार कर रही है। और वो इंसान उस लड़की के आंसुओं को सच्चाई की गवाही मानकर उसके साथ चल पड़ता है, एक ऐसे रिश्ते के लिए जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता? सृष्टि तुम्हारी वाइफ है। और वो बैजू, वो कौन है? उसका दोस्त, उसका बीएफएफ या हस्बैंड? नहीं देवर जी, वो दरअसल बात ही है कि मैं सब बातें जानता हूं। मैं जानता हूं कि विशु मर चुका था। ये सोचकर आपने सृष्टि और बैजू की शादी करवा दी। शायद ये बात सही भी है। एंड आई कैन इमेजिन कि आप लोगों को कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन आप सब लोग ये सोचिए कि मैं कितना ऑकवर्ड फील कर रहा हूं ये बात जान के कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूं जो ऑलरेडी किसी हो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। I really need some time alone. नहीं रह सकते आप। बड़का पापा गए है ना, लेकर आएंगे विशु को। दावा ठीक हो तुम पराग भैया? नहीं, आज जिंदगी के 26 साल में हमको पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि अपने आप को गोली मार दें या पूरा दुनिया को आग लगाते हैं। अगर तुम्हारे ससुराल का नहीं बात होता ना तो साला ऐसा हाल करते कि सात पुश्त गूंगा और पहरा पैदा होता है इनका। तुमको क्या लगता है पराग भैया, ससुरा हमारे ही घर पे हमारे ही मुंह पे उल्टा सीधा बोल के अपने पैरों पे इनको जाने देते? हम हालात ऐसा है ना कि कुछ बोल नहीं पाए, नहीं तो चीर कर रखते थे एक एक लोगों को। गुस्सा तो इतना होता ना कि, लेकिन फिर हमें ना अम्मा जी का बात याद आता है। याद है अम्मा जी हमें क्या कहती थी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। साले कुत्ते हैं। और एक तो ये देवर जी और सृष्टि का भी कितना बड़ा बवाल हो गया है, इसके चलते भी ना हम कुछ बोल नहीं पाए, रोक लिए अपने आप को। और तुम भी जो हो ना अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करो। और चल बाबूजी को खाना खिला देते हैं। टेंशन मत लो, देख लेंगे एक एक को। चलो भगवान, हमारे बिरजू को हमसे दूर ही करना था, तो काहे उससे मिलवाया? हमसे बिशु का जुदाई बर्दाश्त नहीं होता है भगवान, नहीं होता है। माँ, माँ तुम रुक गए बेटा? है तुम हो ना हमारे सामने, हमको रो सपना तो नहीं देख रहे बेटा? हम आपके सामने भाप को छोड़कर नहीं जा पाए। मेरे कदमों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। मेरी जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी तकलीफें क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं। मैं यहीं रहूंगा आप सबके साथ, और यहां रहकर अपने और अपने परिवार वालों की मुश्किल की राहें खोजूंगा। मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। बिशु चलिए माँ, आप रोना बंद कीजिए। जब तुम आ गए हो ना हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, जिस प्यार के भरोसे आप जानी मानी दुनिया छोड़ छाड़ कर आ गया, वो तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गई। उसके लिए तो मैं सिर्फ बीती हुई बात हूँ, ये सोच करना बहुत दर्द होता है। नहीं बेटा, माँ है तुम्हारी, तुम्हारा हर दर्द ना तुम तक पहुंचने से पहले हमारी आंखें भिगा देता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इस मुश्किल का भी कौन हल ढूंढ निकालेंगे। माँ है ना, तुम्हारी हर तकलीफ हम दूर कर देंगे।